हाय फ्रेंड्स, यह पोनसेटिया यूफोर्बिया का पौधा है। इसकी पत्ती हरी होती है और जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, यानी जनवरी के मौसम से इसकी पत्ती रेड कलर की हो जाती है और अप्रैल तक यह लाल रहती है और मई आते आते इसकी पत्तियां झड़ने लगती है। लेकिन यह इस पौधे का यही खासियत है कि इसकी पत्ती ही फूल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे लोग फूल कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी जो पत्ती है वह लाल कलर की हो जाती है और देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। यह प्रायः लाल, गुलाबी, सफ़ेद, नारंगी कलर का होता है। ज़्यादातर लोग इसे घर में हरियाली लाने के लिए करते हैं, क्योंकि इसकी पत्ती हरी चमकदार होती है और 6 से 7 महीना इसकी पत्ती पूरी हरे रहती है और बहुत ही सुंदर लगता है। यह अफ्रीकन मूल का पौधा है। ज़्यादातर इसे क्रिसमस के अवसर पर इसे गिफ्ट के रूप में भेंट करने के लिए लोग पौधे को देते हैं, क्योंकि यह शांति का प्रतीक पौधा होता है। यह एक हार्डी प्लांट है जो हरी पत्तियों के बीच लाल फैक्टर्स के रूप में जाना जाता है। इस पौधे का साल भर देख रेख करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें मई के बाद इसकी पत्तियां झड़ने लगती है और बरसात के सीज़न में इससे जड़ सड़न की समस्या उत्पन्न होती है और पौधे ये खराब हो जाते हैं। और जैसे जैसे ठंडा आता है, इसमें पत्तियां हरी होने लगती है और जनवरी से लेकर अप्रैल तक फिर इसकी पत्ती रेड कलर की हो जाती है, जिसे हम फूल के रूप में अक्सर लोग कहते हैं और देखने में बेहद ही यह खूबसूरत लगता है। यह आपके गर्मी तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन यह जाड़ा बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए जाड़े के मौसम में आप इसे इंडोर रखें और गर्मी के मौसम में आउटडोर रखें। इसे आप जनवरी से महीने से आप बाहर रखना चालू कर दें, क्योंकि इसमें जनवरी के लास्ट से फ्लॉरिंग चालू होता है और अप्रैल तक इसके होता फूल है। नहीं होते, इसके पत्ती ही फूल हो जाते हैं। गर्मी के दिन में प्रायः इसके जो पत्ती है वह रेड कलर के हो जाते हैं, ठंडा आने से फिर ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं। इसलिए इस प्लांट्स में फूल नहीं खिलते हैं और इसको पत्ती में ही फूल होता है। यही खासियत है कि इसकी पत्ती ही फूल है, लेकिन प्रायः सभी लोग बोलते हैं कि इसमें रेड कलर के फूल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पत्ती ही फूल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे जैसे गर्मी का सीज़न एवं तापमान बढ़ने लगता है और विंटर के सीज़न आते आते फिर से इसकी पत्ती हरी हो जाती है। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं रिंकू कुहा, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं जिस प्लांट्स के बारे में आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ, इसे पोनसेटिया प्लांट्स कहते हैं। इसको आप फरवरी के महीने में लगाइए और आपके गर्मी के सीजन में बहुत गजब टाइप का इसमें फ्लॉरिंग होता है और यह उसकी पत्ती हरी रहती है, लेकिन फूल लाल कलर में आते हैं और बहुत अच्छे से गुच्छे में खिलते हैं। अब इस प्लांट्स को केयर करना बेहद ही आसान है। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। यह पौधों का देख रेख करना बेहद ही कठिन है, क्योंकि यह हर एक मौसम में इस प्लांट्स को केयर करना पड़ता है। ठंडा तो यह बर्दाश्त करता ही नहीं है, गर्मी आपको बर्दाश्त कर लेगा और जैसे बरसात की सीज़न होती है तो या इसमें जड़ सड़न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस प्लांट्स को आपको केयर करना बहुत ज़रूरी है। ठंडे के मौसम में इस पौधे को आप घर में रख दीजिए और जैसे जनवरी में थोड़ा ठंडा कम होने लगता है तो इस प्लांट्स को आप आउटडोर में रख दीजिए। और इसमें फ्लॉरिंग आपके जनवरी के मास से शुरू होती है और आपके अप्रैल तक होती है। जनवरी के महीने में देखिए, इसकी पत्ती ग्रीन कलर की होती है और उसी मंथ का लास्ट से, यानी बसंत ऋतु जैसे चालू होता है, इसकी जो पत्ती है वो रेड कलर की होने लगता है। इस पौधे की खासियत यही है कि इसमें जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होने लगता है, ये आपका फरवरी से लेकर अप्रैल तक में इसकी जो पत्ती है वो रेड कलर की यानी हो जाती है, जिसे लोग फूल के रूप में कहते हैं। और जैसे ही मई का मौसम आता है फिर से यह पत्ती गिरना चालू हो जाती है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए उस समय इस प्लांट्स को आप शेडी एरिया में रख दें और जैसे बरसात का सीज़न होता है तो उसमें इस प्लांट्स का आप कटाई छटाई पूनिंग करके आप शेडी एरिया में रख दीजिए। पौधे में नए नए लीव्स निकलेंगे और इस प्लांट्स की मिट्टी सूख जाता है, अब आपको पानी देना है। प्रत्येक दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह नमी बर्दाश्त करने वाला पौधा नहीं है। तब आप इस प्लांट्स को पानी दीजिए और ये अच्छे से ग्रो करेगा और इसे प्रॉपर सनलाइट में 6 से 7 घंटा
रखिए, अच्छे से यह प्लांट्स ग्रो करेगा। गमले की मिट्टी को आप कड़ाई करके भुरभुरी टाइप का कर ले, इससे 15 दिन के अंतराल में गमले की मिट्टी की कोड़ाई करते रहें, जिससे मिट्टी भुरभुरी होगी, जिसमें प्लांट्स में ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। कठोर मिट्टी में प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है, इसलिए गमले की मिट्टी को 15 दिन के अंतराल में आपको कोड़ाई करना जरूरी है, चाहे जितने भी प्लांट्स हो आपके पास। दोस्तों, इसको मिट्टी अच्छी तरह से आपको हल्की भुरभुरी कर लेना है। देखिए, इसमें खर पतवार है, सबको आप नोच के निकाल दीजिए, प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे। इस पौधे को खाद नाम मात्र का चाहिए। देखिए दोस्तों, यह नीम खली है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। मिट्टी के फंगस लगता है उसको यह जड़ से सफाया करता है, और कीट फतंगे को भी यह हटा देता है। उसके बाद दूसरा खाद हमने बोनमील लिया है, जो मछली के चूड़े से बनता है। इसमें कैल्शियम, पोटासियम, बहुत सारे पोषक एवं मिनरल तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे को ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियाँ लाने में मदद करते हैं, रूट डेवलप करने में मदद करते हैं। उसका आप 50 ग्राम ले लीजिए, और जितने भी पोनसेठिया के पौधे हैं, आपको इसी दो खाद डालने की ज़रूरत है, ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं। वो भी आपको मिट्टी की कोड़ाई करके आप 1 चम्मच डाल दीजिए, पौधे में काफ़ी है। 2 महीने के अंतराल में आपको खाद डालना है, क्योंकि इसको खाद बहुत नाम मात्र का चाहिए। इस प्लांट्स को पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर खाद दीजिए, पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए, नीम खली है, उसका भी आपको चुटकी भर डालना है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चुटकी भर यानी बहुत कम मात्रा में आपको नीम खली डालना है प्लांट्स में, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तरह से मिक्स करके प्लांट्स में आप रख दीजिए। खाद डालने के 15 दिन के अंतराल के बाद इसकी जो पत्तियां है, देखिए कितने सुंदर हरी चमकदार हो गई है, और रेड कलर के कन्वर्ट हो रही है। इसलिए दोस्तों, इस प्लांट्स को आप बहुत कम मात्रा में खाद दीजिए। महीने में एक बार ही बर्मी कंपोस्ट का खाद दीजिए, या बोनमील खाद दीजिए, या नीम खली। और जब गमले में आप लगा रहे हैं, तो उस समय बर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद, नीम खली, इन तीनों को मिट्टी में मिक्स करके दोमट मिट्टी या काली मिट्टी में पौधे को लगाइए। पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, और इसमें बड़े बड़े आकार के फूल खिलेंगे। इस पौधे को अगर आप इंडोर में रखते हैं गर्मी के मौसम में, तो आंशिक धूप आना चाहिए, और विंटर के सीजन में आप इसे प्रॉपर इंडोर में ही रख दें। उस मार्च का महीना आते आते देखिए, इसमें कितने सुंदर इसकी पत्ती रेड कलर की हो गई, और पूरे फूल के आकार में कन्वर्ट हो गई है, और कितना सुंदर लग रहा है। जितने भी मेरे पास प्लांट है पोनसेठिया के, सब में इसकी पत्ती रेड कलर की होगी, और फ्लॉरिंग भी अच्छी तरह से हो रहा है। तो दोस्तों, आप मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए, और अपने पोनसेठिया के पौधे में इसी तरह से देखभाल करिए, और ज़्यादा संख्या में फूल लीजिए। इस पौधे को आप तीनों मौसम में ध्यान से रखना पड़ता है। ठंडे के मौसम में इसे आप इंडोर में रखिए, और गर्मी जैसे स्टार्ट होता है तो आउटडोर में रख दीजिए, और जैसे बरसात फिर चालू हो जाता है तब आप इस प्लांट्स को इंडोर में रख दीजिए। नहीं तो इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा होगी, तो इस जड़ सड़न की समस्या उत्पन्न होती है, और यह प्लांट खराब होकर सूख जाता है। इसलिए इन तीनों मौसम में आप इस प्लांट्स को विशेषकर ध्यान रखने की ज़रूरत है, तभी जाके आपके पोनसेठिया के पौधे साल भर हरे भरे रहेंगे, और अच्छे से ग्रो करेंगे, और ज़्यादा संख्या में इसमें फ्लॉरिंग होगी। आपको इसमें खाद ज़्यादा मात्रा में डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 चम्मच दीजिए 2 से 1 महीने के अंतराल में। अगर इसकी पत्ती में कीट एवं माइटस लग जाए या मकड़ी, तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, आपके प्लांट्स हेल्दी एवं रोग मुक्त रहेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए, और अपने पोनसेठिया के पौधे को सालों भर हरा भरा रखिए, और इसका केयर करना बेहद ही आसान है। ज़्यादातर लोग इस पौधे को हरियाली घर में लाने के लिए लगाते हैं, और क्रिसमस के अवसर पर इसे गिफ्ट करते हैं, क्योंकि यह प्लांट्स आपके आंगन की शोभा तो बढ़ाता ही है, और इसके जो रेड कलर के, वाइट कलर के पत्ती यानी फूल जिसको बोलते हैं, वो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसलिए इस पौधे को आप अभी भी आराम से गमले में लगा के
ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मार्च के महीने में उतना गर्मी नहीं पड़ती और अप्रैल तक यह गर्मी को सहन कर सकता है। जैसे इसमें मई आती है, यह फ्लावरिंग पूरी तरह से बंद कर देता है और इसकी पत्ती भी गिरने लगती है। तो आपको जून के महीने में जब हल्की बारिश चालू हो जाए तो इसकी पत्ती की कटाई छटाई यानी पूनिंग करके इसे आप शेडी एरिया में रख दीजिए, और पानी जब पूरी तरह मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें डालिए और सनलाइट इस प्लांट्स को 1 से 2 घंटा दीजिए। आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे, हेल्दी रहेंगे और सालों साल हरे भरे रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक अपने सेफ रखिए और अपने स्पॉन्सेटिया के पौधे को इसी तरह से देखभाल करके सालों साल हरा भरा रखिए। बाय बाय, टाटा।